Hello students, how are you? Welcome to another video. In this video tutorial I am going to show you how to create audiobooks for your YouTube channel using ChatGPT, using AI, artificial intelligence. I made this video especially my Hindi and उर्दू स्पीकिंग स्टूडेंट्स. आज की वीडियो उन लोगों के लिए ख़ास स्पेशल मैंने बनाई है जो मेरे उर्दू बोलने वाले या हिंदी बोलने वाले सब्सक्राइबर्स या स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ. तो आज की वीडियो में मैं तफसील से आपको बताऊँगा कि ChatGPT का इस्तेमाल करते हुए, AI का इस्तेमाल करते हुए आप किस तरीके से अपने यूट्यूब चैनल के लिए बेहतरीन कंटेंट जनरेट कर सकते हैं. सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी डीमो मैं आपको दिखा देता हूं कि आप क्या बनाने वाले हैं आज की वीडियो में, आप क्या सीखने वाले हैं. तो फिर इस वीडियो को हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे. सबसे पहले आप ये डीमो देख लें. The 48 Laws of Power by Robert Greene. The 48 Laws of Power. Law number 1. Never outshine the master. Make your masters appear more brilliant than they are, and you will attain the heights of power. When it comes to power, outshining the master is perhaps the worst mistake of all. Never take your position for granted, and never let any favors you receive go to your head. तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ. जैसे कि आप देख सकते हैं कि ChatGPT को मैंने अपने स्क्रीन पे ओपन किया हुआ है. तो आप गूगल से जो है, आप लाजमी नहीं है कि सिर्फ ऑडियो बुक्स या हिस्ट्री से रिलेटेड आप कंटेंट बनाएं, वीडियोस बनाएं. आप जो है बच्चों के लिए जो है स्टोरीज़ वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं ऑडियो में. तो ये सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कोई हिस्ट्री इवेंट के बारे में कोई वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं उस इवेंट को मैं सर्च करूँगा. द ग्रेट फायर ऑफ रोम, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इस टाइटल को कॉपी किया और जस्ट आपने जो है यहाँ पर ChatGPT में इसको लाके पेस्ट करना है. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये ChatGPT इस तरह आपके लिए बड़ा बेहतरीन किस्म का आर्टिकल क्रिएट कर लेता है. कंटेंट मशीन लर्निंग के थ्रू जो है यहाँ पर आप AI के ज़रिए अच्छा खासा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं. अब इस कंटेंट को हमने वॉइस ओवर में कन्वर्ट करना है. यहाँ पर आप देख सकते हैं ChatGPT ने हमें जस्ट हमने टाइटल दिया तो यहाँ पर ChatGPT ने हमें अच्छी खासी जो है यहाँ पर एक आर्टिकल लिख के दी है. तो जस्ट हम इसको कॉपी कर लेंगे. अब इस कंटेंट को जो है एक दफ़ा आप रिव्यू ज़रूर कर लें, क्योंकि ये AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. तो यहाँ पर इस पर पूरा 100% आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पर ये गलती भी कर सकता है. तो इसलिए एक दफ़ा ये कंटेंट जनरेट होने के बाद आपने एक दफ़ा इसको पढ़ना लाजमी है. उसके बाद मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ इसकी वॉइस ओवर करने के लिए. यहाँ पर 11th लैब के नाम से एक बड़ी बेहतरीन AI वॉइस के लिए जो है ना, यहाँ पर वॉइस आवर्स के लिए यहाँ पर बड़ी बेहतरीन किस्म की एक वेबसाइट है. इसके थ्रू जो है ना आप AI वॉइस क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं. यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ऊपर सेटिंग में कुछ यहाँ पर आपको सेटिंग करनी पड़ेगी. यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना मेल फीमेल का वॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं. उसके बाद वॉइस सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है आप इसको ऐसे ही रहने दें, और उसके बाद बाकी सेटिंग्स भी आप हम इसी तरह रहने देंगे. उसके बाद हमने जो ChatGPT से आप देख सकते हैं यहाँ पर ChatGPT से जो कंटेंट हमने क्रिएट किया था, कॉपी किया था, इसको हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे. और यहाँ पर आप नीचे की तरफ जनरेट के नाम से एक बटन है, हम उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपके लिए इस सारे कंटेंट का जो है वॉइस ओवर बना के दे देगा. आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी सी देर लगेगी आपने वीडियो को कंप्लीट. The Great Fire of Rome was a catastrophic fire that occurred in ancient Rome during the reign of Emperor Nero. ओके तो आपने इस वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करनी है। मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि अब इसमें जो है एआई वॉइस पता चलता है ना, थोड़ा सा अब जितने भी कोशिश करें थोड़ा सा एआई वॉइस को ना वो क्लियरिटी नहीं होती है जो एक इंसान की आवाज़ में होती है, और उसमें इमोशंस भी होते हैं। वो थोड़ी देर इंसान को पता चलता है कि उसने कहाँ रुकना है, कहाँ पर बोलना है। लेकिन एआई का ये मसला होता है कि वो जो कंटेंट आप देते हैं वो रेगुलर वो बोलता चला जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा नेचुरल वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले जैसे कि ये जनरेट होता तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दाएं जानिब यहाँ पर डाउनलोड का ये बटन है, यहाँ पर हम इस पर क्लिक करके सुनने के बाद इस वॉइस को यहाँ पर हम डाउनलोड करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरा साउंड जो है डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद एक सॉफ्टवेयर है यहाँ पर एडोबी ऑडिशन के नाम से, एडोबी ऑडिशन के नाम पे से यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर है, आप जानते होंगे। इसको आप ओपन करेंगे। अगर आपके पास ये डाउनलोड नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि आपने इस सॉफ्टवेयर को कहाँ से फ्री में डाउनलोड करना है, ये मैं अभी बता देता हूँ। यहाँ पर आप जाएंगे फ्री डाउनलोड करो .com के नाम से एक वेबसाइट है। आप चाहें तो यहाँ पर आप कोई भी सॉफ्टवेयर का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर वो ये आपको डायरेक्ट लिंक्स दे देता है। आप किसी भी जो है ना लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा एक और बड़ी बेहतरीन वेबसाइट है GetIntoPC। तो यहाँ पर जैसे ही हमने एडोबी ऑडिशन सर्च की, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर यहाँ पर आपको एडोबी ऑडिशन मिलेगा। यहाँ पर आपने इस पर क्लिक करना है और थोड़ा सा आप ड्रॉप डाउन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड का आपके लिए ये ऑप्शन आएगा। यहाँ पर ये जिप फाइल में होगा तो इसका पासवर्ड भी यहाँ पर आपको बताया गया है। अगर कोई पासवर्ड मांगता है तो 123 इसका पासवर्ड है और इसको हम डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर ये तकरीबन 300-400 MB का है। तो मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल है तो मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए कि आपने कहाँ से। अगर इसमें इंस्टॉलेशन में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर एक वीडियो भी दिया हुआ है, आप वीडियो भी देख सकते हैं हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर। इसी तरह जो है आप इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर हमने जो ElevenLabs से एआई वॉइस जनरेट किया था उसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपोर्ट में मैं क्लिक करूँगा, और इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने ये वाली जो हमने साउंड आप एक दफ़ा प्ले करके देखते हैं। The Great Fire of Rome was a catastrophic fire that occurred in ancient Rome during the reign. ओके अब हम इसको थोड़ा सा जो है ना थोड़ा सा इफ़ेक्ट्स वगैरह दे के थोड़ा क्लियर करते हैं ताकि इसको इंसानों जैसा आवाज़ लगे। यहाँ पर हम किसी जगह पे भी क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से Ctrl+A करके इसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आप प्रीसेट्स के नाम से यहाँ पर एक टैब है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करने के बाद यहाँ पर पॉडकास्ट वॉइस के नाम से एक यहाँ पर बनाया इफेक्ट है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और डोंट शो दिस मैसेज अगेन पे क्लिक करेंगे और अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे यहाँ पर थोड़ी देर लगेगी। ओके आप इसको एक दफ़ा प्ले करते हैं। The Great Fire of Rome was a catastrophic fire that occurred in ancient Rome during the reign of Emperor Nero. तो आप देख सकते हैं बड़ी बेहतरीन किस्म की इसमें थोड़ा सा जो है इफ़ेक्ट्स के ज़रिए बेहतरीन किस्म के यहाँ पर आवाज़ क्लियर हो गई तो हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। उसके लिए यहाँ पर हम फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एक्सपोर्ट फाइल पे क्लिक करने के बाद आप चाहें तो आप अपने डेस्कटॉप पे या माई डॉक्यूमेंट्स में कहीं पर भी इसको सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारा काम ख़त्म हो चुका है तो हम इस सॉफ्टवेयर को क्लोज करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है हम अगले स्टेप की तरफ जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद जो है हमने जो टॉपिक सिलेक्ट किया था द ग्रेट फायर ऑफ रोम, इससे रिलेटेड एक तस्वीर हम ले लेंगे कहीं से नेट से। आपने ये कोशिश करनी है कि रेंडमली आप किसी भी वेबसाइट से तस्वीर ना उठाएं, क्योंकि इससे आपको कॉपीराइट का इशू हो सकता है। आप देखभाल के जो है कोई अच्छी सी वीडियो, यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें जो है आप अगर कॉपीराइट का इशू आप नहीं चाहते हैं तो मैं आपको एक और तरीक़ा बता देता हूँ। एआई के ज़रिए आप किस तरह अपनी मर्ज़ी के तस्वीर क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट आप लिखेंगे तो वो आपको तस्वीर बना के देगा जिस पर कॉपीराइट का कोई इशू भी नहीं होगा। तो उसके लिए getimg.ai के नाम से एक वेबसाइट है यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्ट क्रिएटिंग फॉर फ्री। उसके बाद हम इसको क्लोज़ कर लेते हैं और यहाँ पर जो है हम इसको जो है ना अपनी मर्ज़ी से एक तस्वीर द ग्रेट फायर ऑफ रोम लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पर ये एक रेंडमली एक तस्वीर बना के हमें दे देगा। तो ये सारा कंटेंट आपका अपना है, इसमें वो कोई इशू नहीं होगा, आपको कॉपीराइट का कोई इशू नहीं होगा। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर ये वाली फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली इमेज है, इसको हम डाउनलोड करते हैं। यहाँ से इसको हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम कोई और जो है ये भी हम डाउनलोड करेंगे। हाँ, यहाँ से हम इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा, तो ये जो है इस पे आपको कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मिलेगा यूट्यूब के अंदर या किसी भी वेबसाइट पे। तो आप यहाँ से फ्री में एआई के ज़रिए जो है आप इमेज क्रिएट कर सकते हैं, उसमें आपके लिए कोई इशू नहीं होगा। अब हमने जो ये इमेजेस डाउनलोड की हैं इनको हम कैनवा में थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे ताकि अच्छा लुक हो। उसके लिए हम कैनवा यूज़ करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर बनाए जो है आप टेम्पलेट्स हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं अपने मर्ज़ी के। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम सर्च करेंगे यूट्यूब थंबनेल, तो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी सारे जो है ना थंबनेल्स यहाँ पर आपको बनाए मिलेंगे। जस्ट आपने उनको एडिट वगैरह करना है। अब जैसे कि मैंने यूट्यूब थंबनेल सर्च किया तो यहाँ पर एक टेम्पलेट आई, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट में मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर जो है ये ऑलरेडी जो इमेज है इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ और जो हमने एआई के थ्रू जो है एक इमेज क्रिएट किया था उनको मैं यहाँ पर लेके आऊँगा। मैं ये बताता चलूँ कि ये सारी वेबसाइट का लिंक्स मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूँगा, वहाँ से जो है आप ये सारी चीज़ें पिक कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से तस्वीर को जो है यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ से जो है इनकी आप ब्राइटनेस वगैरह कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है हम इस टेक्स्ट को काटने के बाद हम अपनी मर्ज़ी का जो है टेक्स्ट लगाएंगे। जो आपकी वीडियो है उस रिलेटेड आप टेक्स्ट यहाँ पर लगा दें। उसके बाद यहाँ पर हमने शेयर पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर हम डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारी इमेज जो है यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। तो आपने देखा कि हमने इमेज भी क्रिएट कर ली है और उसके बाद जो है हमने वॉइस भी क्रिएट वॉइस ओवर भी तैयार कर ली है। अब इसको हम वीडियो में कन्वर्ट करेंगे, वीडियो बनाएंगे इसका। तो इसके लिए जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है मोवावी वीडियो एडिटर प्लस 2021। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसको भी मैं डाउनलोड करने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। आप वहीं पर जाएंगे GetIntoPC पे। तो उसी तरह हम GetIntoPC पे आ जाएंगे। यहाँ पर हम सर्च करेंगे मोवावी वीडियो एडिटर। यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ से जिस तरह हमने एडोबी ऑडिशन को डाउनलोड किया था बिल्कुल इसी तरीके से आपने इस सॉफ्टवेयर को भी डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद जो आप इंस्टॉल करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो ये बहुत यूज़र फ्रेंडली है। बेसिक जो है ना वो जो बिगनर्स हैं, हमारे वीडियो एडिटिंग में जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये बड़ी बेहतरीन है। फिर अगर आप एडोबी प्रीमियर की तरफ जाते हैं या कोई दूसरे सॉफ्टवेयर की तरफ जाते हैं तो वो फिर एडवांस लेवल का हो जाता है। फिर उसमें आप जो है आपको काफ़ी टाइम लग सकती है। इस पे जो है इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप बहुत थोड़े 1-2 दिन लगाएँ इसको सीखने में, फिर आप बहुत आसानी से अच्छी वीडियोस क्रिएट कर सकेंगे। इस हवाले से यहाँ पर आप मेरे चैनल विज़िट करके यहाँ पर आप देख सकते हैं। सॉरी, आप यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। इस वक्त जो है फिर पाकिस्तान में हमारे इधर यूट्यूब और फेसबुक पर जो है ना थोड़ा पाबंदी लगी हुई है। पाकिस्तान की हालत ठीक नहीं है। अब हम देख सकते हैं आप यहाँ पर यूट्यूब और फेसबुक भी नहीं चल रहा। उसके लिए मैं VPN यूज़ कर रहा था। तो मैं VPN के थ्रू दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। तो आप यूट्यूब पर यहाँ पर मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप मेरा नाम यहाँ पर सर्च करेंगे और मेरे चैनल पे जाएंगे। यहाँ पर तो आपको वो मोवावी वीडियो एडिटर के हवाले से एक पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। यहाँ पर आप बेसिक किस्म के जो वीडियो एडिटिंग के जो तरीक़े हैं वो आप सीख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोवावी कंप्लीट वीडियो एडिटिंग कोर्स फॉर बिगनर्स के नाम से। आप इसको प्ले करके चंद बेसिक चीज़ें आप सीख सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो हमने इमेज क्रिएट की थी, जो हमने साउंड क्रिएट की थी AI के थ्रू, उसको हम किस तरह एडिट करेंगे। यहाँ से हम सबसे पहले उसके बाद जो है यहाँ पर हम उस साउंड को जो है ओपन करेंगे। ये बेसिक बहुत आसान तरीक़ा मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमने जो साउंड क्रिएट की थी एडोबी ऑडिशन में, उसको हम यहाँ पर ओपन करेंगे। फिर आप देखें इसी साउंड के हिसाब से जो है ना आपने इमेज को आपने यहाँ पर इस तरीके से जो है ना आपने बराबर करना है। और उसके बाद आप देखें ये बिल्कुल स्टैटिक इमेज है, तो इसमें हम थोड़ा सा एनिमेशन वगैरह देंगे ताकि कोई प्रोफेशनल लुक मिले। उसके लिए जो है मेरे पास एक ग्रीन स्क्रीन है, आप चाहें तो वो ग्रीन स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, इसको मैं प्लस के निशान पे क्लिक करूँगा, यहाँ से ऐड वीडियो ट्रैक पे क्लिक करूँगा और इस ग्रीन स्क्रीन को लाके यहाँ पर मैं छोड़ दूँगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रोमा की के नाम से एक बटन है, तो इस क्रोमा की पे मैं क्लिक करूँगा और अप्लाई पे क्लिक करूँगा। अच्छा, इससे क्या होगा, यहाँ पर जब जैसी वीडियो चलेगी यहाँ पर देख सकते हैं एक स्मोक नीचे से ऊपर की तरफ चल रही है, तो ये थोड़ा सा एनिमेशन हो जाएगा वीडियो में और हम इसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आप चाहें तो वीडियो में जो है इंट्रो और आउट्रो वगैरह भी लगा सकते हैं, अपनी यूट्यूब चैनल का लोगो वगैरह यहाँ पर लगा सकते हैं, इंट्रो में भी और आउट्रो में भी। उसके बाद हम यहाँ से कुछ और लगा देते हैं, जैसे कि टाइमिंग है, यहाँ पर टाइमर है, हम इसको टाइमर भी लगा देंगे ताकि थोड़ा सा बेहतर लुक मिले हमें। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप बेशक नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप सवाल कर सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर आपने जैसे कि आपने देखा कि हमने टाइमर लगा दिया, तो यहाँ पर टाइमर भी आ चुकी है। एक दफ़ा हम इस वीडियो को प्ले करके देखते हैं। The Great Fire of Rome was a catastrophic fire that occurred in ancient Rome during the reign of Emperor Nero. The fire began on the night of July 18th, AD 64, and lasted for approximately 6 days, devastating large parts of the city. The exact cause of the fire is uncertain, and there are several historical... बेहतरीन है। इसके बाद हम इसमें एक बैकग्राउंड म्यूज़िक भी लगाएंगे। उसके लिए आपने रेंडमली कहीं से भी कोई भी म्यूज़िक यूज़ नहीं करनी है। उसके लिए आप YouTube पे आएंगे, तो यहाँ पर आप अपना लोगो पे क्लिक करेंगे और YouTube स्टूडियो पे आएंगे। तो आप यहाँ पर YouTube स्टूडियो जो है आपको जो साउंड्स वगैरह बैकग्राउंड साउंड्स वगैरह देता है उसको ही आपने यूज़ करनी है। यहाँ पर जैसे आप YouTube स्टूडियो में आ जाएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ आप देख सकते हैं ऑडियो लाइब्रेरी है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है आपको जो बैकग्राउंड म्यूज़िक अच्छा लगता है आप उसको डाउनलोड करके अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैंने एक डाउनलोड की है अपनी पसंद की, मैं उसको यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और ऐड फाइल पे क्लिक करने के बाद वो म्यूज़िक यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ। कहने का मकसद ये है कि आपने रेंडमली किसी भी वेबसाइट से कोई भी म्यूज़िक डाउनलोड करके उसको आपने यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि उसमें आपका कॉपीराइट का इशू आ सकता है। हम इसको फिर बैकग्राउंड म्यूज़िक को भी थोड़ा सा ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर छोड़ देंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ हमारी जो साउंड ट्रैक थी वो भी आ गई। तो इस पर हम डबल क्लिक करेंगे और इसका जो वॉल्यूम है थोड़ा सा इसको हम डाउन करेंगे ताकि हमारी वॉइस ओवर वाजह तौर पर लोगों को सुनाई दे और बैकग्राउंड म्यूज़िक थोड़ा सा मध्यम बैकग्राउंड में हो जाए। इसको हम 25% पे लेके जाते हैं। फिर से हम इसको एक दफ़ा प्ले करके देखते हैं। The Great Fire of Rome was a catastrophic fire that occurred in ancient Rome during the reign of Emperor Nero. The fire began on the night of July 18th, AD 64, and lasted for approximately 6 days, devastating large parts of the city. The exact cause of the fire is uncertain, and there are several historical accounts that offer different explanations. According to the Roman historian Tacitus, ये बड़े बेहतरीन है। इसके बाद हम इस बैकग्राउंड म्यूजिक को भी जो थोड़ा सा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारी वीडियो ख़त्म हो गई है, लेकिन ये हमारी बैकग्राउंड म्यूजिक है वो आगे निकल गई है, तो इसको हम यहाँ किसी जगह पे क्लिक करेंगे, इसको यहाँ से हम कट करेंगे और ये जो बकाया हिस्सा है उसको हम कीबोर्ड से डिलीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको हम थोड़ा सा बराबर कर लेते हैं। ओके, तो ये आपने देखा कि ChatGPT से हमने कंटेंट जनरेट किया, उसके बाद इमेजेस हमने AI के थ्रू क्रिएट किया, AI वॉइस हमने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वॉइस आवर हमने क्रिएट किया, उसके बाद हमने वीडियो एडिटिंग में जो है ना एडिटर में यहाँ पर हमने इसको लाके बड़ी बेहतरीन किस्म का एक वीडियो बनाई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको जो है ना आपने एक्सपोर्ट किस तरह करनी है, और इसमें आप अगर फिनिशिंग करना चाहते हैं कुछ तो आप फिनिशिंग किस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर आप इस वॉइस आवर को थोड़ा सा आपको लगता है और भी बेहतर बना सकते हैं, तो यहाँ पर इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले वॉल्यूम है, उसके बाद नॉर्मलाइज़ पर आप क्लिक करके इस साउंड को नॉर्मलाइज़ का मतलब ये होता है कि इसमें अगर कोई वॉइस ओवर के दौरान जो है कोई मसला आया हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये क्लियर कर लेता है। उसके बाद आप जो साउंड है उसको आप स्पीड को कम या ज़्यादा भी यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद फेड इन है, फेड आउट है और रिवर्स है। यहाँ पर आप थोड़ा सा इसके साथ वक्त गुजार के जो है आप इसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। अब मैं इस वीडियो को एक्सपोर्ट करूँगा। इसको एक्सपोर्ट करने के बाद आप जो यूट्यूब पर लगाने से पहले इसको आप SEO ऑप्टिमाइज़ किस तरह कर सकते हैं वीडियो को, वो तरीक़ा भी आपको मैं बताऊंगा। और फिर आगे वीडियो में आप जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं या डायरेक्ट जो है आप क्लास के दौरान भी आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर हमने जो है इसका जो है एक नाम रखा है, और यहाँ पर आप कोशिश करें कि जो इसकी क्वालिटी है वीडियो की आपने हाईएस्ट रखना है। और उसके बाद हम लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर जो है हम यहाँ से इसको स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे ये एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो हमारी वीडियो जो है यहाँ पर एक्सपोर्ट हो चुकी है, तो इसको हम यहाँ पर ओपन आउटपुट फोल्डर को चेक लगा के हम इसको ओपन करेंगे। और इस जो है इस फाइल को हम यहाँ से कॉपी करेंगे या कट करके हम किसी और फोल्डर में लेके जाते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी वीडियो तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो इसको एक दफ़ा ओपन करके आप इसको प्ले कर सकते हैं। The Great Fire of Rome was a catastrophic fire that occurred in ancient Rome during the reign of Emperor Nero. The fire began on the night of July 18th, AD 64, and lasted... Okay, अब मैं YouTube पर अपलोड करने से पहले इसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप किस तरह कर सकते हैं, बहुत सारे दोस्तों को ये पता नहीं होगा, और अपलोड करने से पहले किस तरह इसकी SEO की जाती है, तो ये तरीका मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर अब जैसे कि आपने टाइटल यहाँ पर लिखा है, इसको हम राइट क्लिक करेंगे और इसको रीनेम करके और इस टाइटल को यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे, एक वेबसाइट है, यहाँ पर हम जाएंगे टैग्स वगैरह हम इसकी उठाएंगे। ये तमाम जितने भी मैं वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये तमाम वेबसाइट का जो लिंक्स है वो मैं आपको दे दूँगा। यहाँ पर हम इसकी टाइटल को हम पेस्ट करके इसके लिए थोड़े से टैग्स वगैरह हम उठा लेते हैं। यहाँ से हम इन टैग्स को यहाँ पर कॉपी करेंगे और दोबारा उस वीडियो पर आएंगे। हम इसके बाद हम इस फाइल पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे अगर आप विंडोज़ 11 या 10 यूज़ कर रहे हैं तो शो मोर ऑप्शन का यहाँ पर टैब होगा, तो हम इसको प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर जाएंगे और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जर्नल है, सिक्योरिटी है, उसके बाद डिटेल्स हैं। तो टाइटल के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइटल है, सब टाइटल्स है, रेटिंग है, टैग्स है। यहाँ पर ये टैग्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके आगे हम मैं डबल क्लिक कर देता हूँ और जो टैग्स हमने कॉपी किया था मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। उसके बाद फिर टाइटल यहाँ से आप चाहें तो फिर से टाइटल रीनेम करके टाइटल को कॉपी करें और दोबारा आप इस जगह पर आ जाएंगे, टाइटल दे दें इसका। ये आपकी जो है यूट्यूब की जो एल्गोरिदम है उसको आसानी होती है जब आप वीडियो अपलोड करने से पहले इसकी ऑप्टिमाइजेशन कर लेते हैं, तो यूट्यूब जो है ये सारी डिटेल्स आपकी वीडियो फाइल से ही उठा लेता है। उसके बाद आपने सब टाइटल्स में जो है ना आप चाहें तो सब टाइटल्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कमेंट्स बहुत सारे, उसके बाद हमने अप्लाई पे क्लिक करना है। ओके, तो आपकी जो है ये फाइल तैयार हो चुकी है। फिर इसके बाद आपने जो है ना इसको YouTube पे अपलोड करना है। आपको अगर अपलोड करने का तरीक़ा सही तरीक़ा मालूम नहीं है तो मैं एक दफ़ा फिर से बता दूं कि आप ये मेरे YouTube चैनल पे जाएंगे तो YouTube के हवाले से मैंने कंप्लीट कोर्स तैयार करके अपलोड की है। आप YouTube चैनल पे विज़िट करें मेरा, मैं आपको बता देता हूं कि वो आपको कहाँ मिलेगा। तकरीबन 20-25 वीडियोज़ है YouTube के हवाले से, उर्दू और हिंदी में मैंने कंप्लीट जो है कोर्स तैयार की है। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, आप मेरे चैनल पे जाएंगे और यहाँ से प्लेलिस्ट पे जाएंगे। प्लेलिस्ट पे जाने के बाद यहाँ पर आप थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ YouTube कंप्लीट कोर्स इन उर्दू एंड हिंदी लैंग्वेज 2022। तो ये 23 वीडियोज़ हैं, आप इनको भी एक दफ़ा टाइम मिलता है तो एक दफ़ा देख लें। इसमें मैंने बड़े तफसील से टाइम लगा के बड़ी मेहनत से ये सारा कोर्स मैंने तैयार की है आप लोगों के लिए। तो इस तरह आप जो है इसको अपलोड कर सकते हैं अपने YouTube पे। ये जो फाइनल जाते जाते मैं आपको ये दिखा देता हूँ, मैं अपना चैनल ये हुईस के नाम से एक चैनल है, ये देखें ये मेरा मैंने ये सारा कंटेंट जो है मैंने ChatGPT से उठाई है और AI के थ्रू ये सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं। तो आप इस तरह का चैनल माशाल्लाह से अभी ये 1K सब्सक्राइबर्स के करीब पहुंच गए हैं और तकरीबन मैंने अराउंड 250 प्लस मैंने वीडियोस इस पर अपलोड की है। तो आप इस तरह की बड़ी बेहतरीन किस्म के चैनल्स, ऑडियो बुक्स, स्टोरीज़ वगैरह इस तरह के कोई भी टॉपिक उठा लें, इंटरनेट की दुनिया में कंटेंट भरा हुआ है। आप किसी भी टॉपिक पे जो है अपनी पसंद की टॉपिक पे आप एक बेहतरीन चैनल क्रिएट करके रेवेन्यू कमा सकते हैं यूट्यूब से। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब चैनल नहीं बनाना चाहते हैं, कोई प्रोफेशनल लाइफ में आपको अगर कोई प्रेजेंटेशन वगैरह बनानी होती है या कोई और काम होता है तो उस हवाले से भी AI के थ्रू आप इसी तरह बड़ी अच्छी वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। तो जो दोस्त हमारे इस चैनल पर नए हैं, जो इस वक्त नए देख रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियोस फ्यूचर में आपको भी मिल सके। थैंक्स फॉर वाचिंग।